लो बेटा, सगाई की अंगूठी हमारी बहू को पहना दो। रुक जा बेटा। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? इतना अच्छा डांस कर रहे थे आप वहाँ। डांस कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। अब डांस वांस करने की आदत मेरी है नहीं, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई। लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। मेरा किस लिए? मैंने क्या किया है? इस घर की खुशियाँ जो लौटा दी, अगर आप शादी की हार नहीं करते तो इंदर और बंटी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता था। हाँ सुन, अब मेरी शादी का क्या अंजाम हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इंदर और बंटी जरूर खुश होंगे। बस ये समझ लो कि मैंने इंदर के बड़े भाई होने का फर्ज पूरा किया। तो क्या आपको अपनी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर इंदर मुझे आज भी अपनी शर्त से आज़ाद कर दे तो मैं आज अभी अपनी शादी से निकल। तो आपने इंदर के बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। मतलब ये कि फर्ज निभाना तो लोग दिखावे के लिए किया जाता है, और आपने कोई लोग दिखावा नहीं बल्कि कुर्बानी दी अपने भाई की खुशी के लिए। आप एक ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं जिसे आप जानते भी नहीं पहचानते भी हैं, और इतनी बड़ी कुर्बानी तो सिर्फ प्यार की दी जा सकती है, फर्ज के लिए। और आप इंदर से बहुत प्यार करते हैं, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ना, मैं बंटी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, जो हमारे घर में दुल्हन बनकर आने वाली, अब मम्मी डैडी चाहे उसे बहू कहें या कुछ और, लेकिन मैं उसे हमेशा रानी जी के कहने को कहूँगा। ठीक है ना? मैंने जैसी आपकी मर्जी। अब ये मिठाई खाई। चल भाई, एक कोड़ा मार कर हाथी पर सवार होकर बैठ गया है। चल और सोचने दे। क्या सोचेगा भई है, तो सोच ले, कोई बात नहीं। वैसे देख ले, तेरी फौज के सिपाही यहाँ मूछ भाई खड़े हैं। बड़ा खुश नजर आ रहा है, आज का दिन अच्छा तेरे लिए। बहुत अच्छा भाई, क्यों नहीं। आज भाई बंटी का रिश्ता हो गया है, जहाँ बंटी चाहती थी, जहाँ हम चाहते थे है। और आज मैं यार के साथ बैठ के शतरंज खेल रहा हूँ, जीत रहा हूँ, यार को हरा रहा हूँ। बोले खुश बोले, तू हंसता हुआ अच्छा लगता है, अल्लाह करे तू हंसते रहे। हाँ भाई, खेल आजो आजो। बाजी बाजी, हमें ना बंटी की सगाई की खुशी में ट्रीट चाहिए। क्या ट्रीट? क्या चाहिए? सीधी सीधी बात करो बाबूजी, आज हमने फिल्म देखने जाना। फिल्म देखने? जाओ भाई जाओ, हमें खेलने दो। हाँ अहमद चाचा, आप और बाबूजी भी चलिए ना हमारे साथ प्लीज। फिल्म देखने? अहमद क्या कह रही है ये है? तो पुत्र, हमें तो ये भी याद नहीं फिल्म देखते कैसे है। बाबूजी, आपका तो जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं ना, उसकी इमेज सेम अपनी डिंकी की तरह लगती है। जी बाबूजी। और कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो तुम? अहमद चाचा लगान। ओ हालाले, उस लड़की की शक्ल हमारी डिंकी से काफी मिलती जुलती है, मैंने इसकी झलक देखी थी टेलीविजन में। चल हम भी चलते देख रहे हैं। तो क्यों भाई, अपनी हार को छुपाने के लिए फिल्म देखने के लिए राजी हो गया? और मेरी बात का यकीन कर, उसकी शक्ल वाकई डिंकी से मिलती जुलती है। ओ, उसकी शक्ल डिंकी से मिलती है ना, वो डिंकी से नहीं है ना। जाओ भाई जाओ, तुम्हारे बाबूजी जीते उसके जीते खुश होने दो। जाओ। थैंक यू।
अरे सुनो भाई, संतोष को भी साथ ले जाना, उससे कहना कि बच्चे को मेरे कमरे में छोड़। जी बाबूजी, बाय। अरे भाई सोच क्या रहा है, हैं? और जितना मर्जी सोच ले, आज तेरी हार का सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। और चल इतना तो मानता है ना कि 100 दिन मैं जीतता हूँ। अरे मैं 100 दिन की बात नहीं कर रहा, मैं बेशक तेरे से 1000 दिन हारूं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज मैं जीत रहा हूँ। कल फिर हारेगा क्या? और 1000 दिन तक हारता रहेगा, फिर सुनार के 100 दिन नहीं 1000 दिन होंगे, और लोहार का 1 दिन नहीं होगा। मैं कहता हूँ तू हार बर्दाश्त नहीं होती तेरे से, और डरता कौन है तेरे से, तो फिर खेलना चुपचाप। आखिर ये ग्रेसी जी का घर है? जी हाँ, बोलिए। हम मिलना चाहते हैं। नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकती जी? क्योंकि वो घर पे किसी से नहीं मिलती। मैं क्यों पूछूं? वो आराम कर रही होंगी तो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगी। अरे अंकल, एक बार पूछ के तो देखिए, शायद मान जाए। अंकल? थैंक यू अंकल। पांचों लड़कियां आपसे मिलना चाहती हैं। पांचों लड़कियां? जी हाँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं वो। बोलो बोलो, हम उनकी बहनें हैं। साहब, वो कह रही हैं वो आपकी बहनें हैं। बहनें? पांचों बहनें? मीन साहब, और ये भी कहो कि हम उनके शहर से आए, दिल्ली से। मीन साहब, वो कह रही हैं वो आपके शहर से आई हैं, दिल्ली से। तो फिर अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर जाओ। थैंक यू। हेलो, हाय, मैं गुड्डी हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया है लगान में। थैंक यू। हाय, मैं मुन्नी, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। हेलो, हेलो, आपने बहुत अच्छा डांस किया है, आपकी फिल्म देखकर बहुत मजा आया। थैंक यू। और वैसे मेरा नाम बंटी है। ओह, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। हेलो, मैं संतोष, इन सब की बड़ी बहन। वैसे इन सब ने आपकी जो तारीफ की है, आप उसे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। बस इतना बता दीजिए कि आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि हम इस तरह झूठ बोलकर यहाँ आए। कौन सा झूठ? यही कि हम सब आपकी बहनें हैं। ओह, बिल्कुल नहीं। देखा
मैंने कहा था ना कि ये बिल्कुल बुरा मान ही नहीं सकती है। ये डिंकी की तरह है, सब दिल से डिंकी की तरह ही होगा ना। तोते क्या करें, इतनी डांटती क्यों है? तो क्यों बड़बड़ कर रही, रास्ते में समझाया था यहाँ पे ऐसे वैसे कोई बात नहीं करनी, समझाया था कि नहीं? देखिए डांटिए मत, बच्ची है। डिंकी कौन है? डिंकी ना हमारी बहन है, बिल्कुल आप जैसी लगती है, इसलिए ना फिल्म देखते ही हम सीधा आपसे मिलने आ गए। पूछे ना इसे, रास्ते भर बस हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, दीदी खुद कह रही थी कि आप ना हमारी बहन डिंकी की तरह लगते हो। तो ये बात है, फिर तो आपको कोई हक नहीं है इसे डांटने का। यूं समझिए ये मेरी छोटी बहन है, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। सच्ची? सच्ची। आपकी कोई बड़ी बहन नहीं है? अगर होती तो शायद आपके जैसी होती। अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो दरअसल आपको देखकर डिंकी की याद आ गई इनको। क्या हुआ है उन्हें? नहीं कुछ नहीं हुआ उसे, वो तो लंदन में रहती है अपने पति के साथ, बहुत खुश है वहाँ। तो फिर आप भी खुश रहिए, बैठिए। क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं वो सब तो मैंने पी लिया, अब हम चलते हैं। अच्छा नमस्ते। 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 जिस काम से वो काम तो कर लेना। कौन सा काम? ऑर्डर चाहिए आपका हमें। ये क्या? ये आपका पोस्टर है, हमने ना रास्ते से उठा लिया। कहाँ करूँ? एक सेकंड जरा मैं इसे फाड़ लूँ। क्यों? वो क्या है ना, हमें ये पोस्टर बाऊजी को दिखाना है, अगर बाऊजी ने आपको आमिर खान के साथ देख लिया है ना, वो थोड़ा नाराज हो जाएंगे, कहेंगे ऊपर डिंकी के साथ तो अमित को होना चाहिए, फिर ये दूसरा मुंडा कहाँ से आ रहा है? इन सब को गौर से देख लो, अगर दोबारा कभी आए तो रोकना मत। थैंक यू। सुनिए एक और ऑटोग्राफ दे दीजिए ना। हाथ पे? प्लीज। थैंक यू, बाय। गरम गरम पकौड़े मतलब कमाल। क्या हुआ भैया, कहाँ जा रहे हैं? मेरा बस। हाँ बस बस हो गया। अरे और पकौड़े, क्या हुआ? अरे क्या हो क्या गया? लगता भैया डाइटिंग पे। लगे सुधर गया है। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इन सब पकोड़ों पे हमारा नाम लिखा हुआ है। तो ठीक है लेकिन पकोड़े कहाँ हैं? अरे आएंगे ना। हाँ। गायत्री जरा और पकोड़े लाना। लाती हूँ, सब्र कीजिए। जब तक वो पकोड़े आएंगे ना तब तक ये पकोड़े हजम हो जाएंगे। आप बेचारी क्या करेगी, वो काम काज जब कर नहीं सकते ना, बूढ़ी हो गई है ना। डैड खबरदार, खबरदार अगर मेरी माँ को बूढ़ी कहा तो। तुम्हें अपनी शादी करवानी है कि नहीं? तो बन जा तोता, जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कौन मुझे बूढ़ी कह रहा था? पहले पकौड़े खिलाओ, पहले पकौड़े खिलाओ। ये लो, और नहीं मांगना, मुझे खाना भी बनाना है। नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। गायत्री मैं एक बात सोच रहा था, गायत्री मैं एक बात सोच रहा था। अरे इंदर क्या हो गया तुझे? मामा मैं ये सब नहीं कहने वाला था लेकिन डैड। इंदर, इंदर नालायक। नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं नहीं नहीं। चुप नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता तू। रहता हूँ लेकिन गान तो छोड़िए प्लीज। चुप हो गया क्यों जी, क्या पट्टी पढ़ा रहे थे? कुछ नहीं गायत्री, वो मैं ये सोच रहा था कि अब तुम्हारी उम्र नहीं रही घर का काम काज संभालने की। हाँ है ना, क्या करूँ, जितना बन पड़ता है उतना करती हूँ। आप लोगों को तो नौकर के हाथ का खाना भी नहीं पसंद। हाँ इसीलिए तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं लाला जी के पास जाकर इंद्र की शादी की तारीख पक्की कर लूँ। देखो घर में बहू आएगी तुम्हें भी हेल्प हो जाएगी, है ना? अरे मेरा बस चले तो मैं तो आज ही बंटी को ब्याह के इस घर में ले आऊं, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, वही होगा जो आपका लाडला बेटा चाहेगा।
मैं तो कहती हूँ ये अपनी शादी की तारीख पक्की करे, मैं अगले ही दिन इंदर की शादी की तारीख पक्की कर दूँ। ओहो, अगले दिन क्यों, उसी दिन क्यों नहीं? हे बेटा, उसी दिन तुम्हारी भी शादी कर देंगे तो तुम चंद्र की बारात में कैसे जाओगे? ओ हाँ, ये तो तभी हो सकता है ना जब हम दोनों का ब्याह एक ही घर में हो। क्यों भैया? इंदर, तुझे मम्मी ने चुप रहने के लिए कहा है ना? अरे अरे, लेकिन भैया ये शादी का मामला है, शादी का। तो तू कर लेना शादी मेरे भाई। ऐसे कैसे कर लूं? क्या बात हुई थी? जब तक आप शादी नहीं करते मैं शादी नहीं करूंगा। भूल गए? याद है, अच्छी तरह याद है, भूल तो थोड़ी ना हूं मैं। नालायक, याद है तो कर क्यों नहीं लेता? सारा क्लेश ही खत्म हो जाए। मम्मी, शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है और लड़की ढूंढने के लिए वक्त की, जो कि मेरे पास तो आजकल बिल्कुल नहीं है। पर बेटा, लड़की ढूंढने के लिए तुझे कितना वक्त चाहिए? डैडी, ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जिस दिन कोई लड़की पसंद आ जाएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओहो, लगता है ये शुभ काम भी अब हमें ही करना पड़ेगा। मॉम एंड डैड, आज से इस घर का एक ही मकसद होगा, 1 पॉइंट एजेंडा। मेरे भैया के लिए एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढनी होगी और ये काम मैं आज से ही शुरू करूंगा। वो कहते हैं ना, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी फिर करेगा कब। क्या बात है, मैं जा रहा हूं। अरे इधर जाना कहाँ है? मेरा वाना करके बंडी से बात करने गया। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, जो कल करे सो आज, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। हेलो मुन्नी, बंटी को फोन दे फटाफट। इंदर, मैं संतोष बोल रही हूँ। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? नहीं, बोलती क्या बंद हुई है, वो तो मैंने, वो दीदी मुंह से निकल गया बंटी वाला, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझता है। नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। मैंने आपसे बात करने के लिए फोन किया था, मुझे कुछ पूछना था आपसे। अच्छा, पूछ, क्या पूछना था? हाँ, मुझे पूछना था दीदी कि संस्कार कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसी से बात कर लेना। हेलो संस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा संस्कार, आप बंटी आंटी से कहना कि मुझे फटाफट फोन करें, ठीक है? पता है ना मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल रहा हूँ? इंदर। इंदर? संस्कार। अरे क्या? हेलो ये ना चॉकलेट। यार कुछ तो बोल यार। मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप कुछ नहीं बोलना, आप सिर्फ ये याद रखना कि मैंने आपसे बात करने के लिए फोन किया था, बंटी से नहीं, वो तो ऐसे मुंह से निकल गया। ओके बाय। चलो। अरे वाह, थैंक यू बोला। थैंक यू अंकल। बेटा, हम आपके लिए खिलौने भी लाए हैं। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो अंकल नहीं है, वो पापा है।